बागपत में एक गुमनाम खत मिलने से हड़कंप मच गया। पत्र जिले के डीएम और एसपी को मिला। इस खत में एक मस्जिद के मौलाना पर आतंकी संगठन से संबंध रखने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पत्र में खुफिया विभाग से मौलाना की जांच कराने की मांग की है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब एक लेटर मिला है अज्ञात शख्स का, जिसने मस्जिद से जुड़ी हुई बातें लिखी है, आतंकवादी संगतियाँ हो सकती है, संदिग्ध लोग आते हैं। क्या लेटर है, क्या कार्रवाई इसमें होगी? देखिए, उसमें की बहुत सारी चीज़ें तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अभी हम लोगों को इस तरह की कुछ सूचना मिली है। एक गुमनाम लेटर हमारे पास है, उसके जो तथ्य हैं उसका हम सत्यापन करा रहे हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम है उसको हम लोगों ने इसमें डिप्लॉय किया हुआ है, और उससे जो फैक्ट्स निकल के आएगा, जो चीज़ें उस एप्लीकेशन में हैं, जो चीज़ें उस लेटर में हैं, उसको हम वेरीफाई करा रहे हैं। जो भी सत्य निकलेगा उसके हिसाब से करवाएंगे। इस पत्र के मिलने के बाद प्रशासन ने खुफिया विभाग को जांच सौंप दी है और मौलाना की संपत्ति से लेकर उसके संबंधों की जांच कराने का विचार कर रहा है। पत्र में आरोप लगा है कि मौलाना की कुछ हरकतें संदिग्ध लगती है। उसके पास कुछ असामाजिक लोगों और कुछ मदरसों के लड़कों का आना जाना लगा रहता है। बिना आमदनी के कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के प्लॉट मौलाना ने खरीद रखे हैं। साथ ही अपना कई मंजिला मकान भी बना रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उसका किसी आतंकी संगठन से संबंध है और किसी घटना को अंजाम दे सकता है। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।